हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई अगर आपको लेंस दे दिया जाए, उसके किसी एक सरफेस सिल्वरिंग कर दी जाए, तो उस लेंस द्वारा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे इस तरह के न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हेडिंग है लेंस विद द सिल्वर्ड सरफेस। ठीक, अब इसके लिए दिया क्या जाएगा, कोई एक लेंस दे दिया जाता है। मान लेते हैं ये हमारे क्या लेंस है। ठीक, अच्छा ऐसे लेंस है, इसके किसी एक सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी जा रही है, ये सरफेस हमारा सिल्वर हो गया। अब इसके द्वारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, ये ओवरऑल सिस्टम जो है, पूरा का पूरा सिस्टम एक लेंस की तरह रिएक्ट करेगा कि मिरर की तरह रिएक्ट करेगा। वही चीज़ हमको क्या करना है, इसमें पता करना है, देखना है। तो यहाँ से रेज निकल रही है, ऐसे रेज निकल रही है मतलब ऑब्जेक्ट पे। अब ये सरफेस आपका क्या है, लेंस है, तो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। अगर इधर पॉलिश ना होती, सिल्वरिंग ना होती, तो इस सरफेस का जो है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ कहीं पे जाके बन जाता, यहाँ कहीं पे क्या बनता, इमेज बनता। लेकिन यहाँ पर है पॉलिश, सिल्वरिंग की हुई है, अब रेज इधर ना आकर के इस सरफेस पे टकराएंगे। ठीक है, यहाँ पे टकरा रही है, इसका होता है रिफ्लेक्शन। क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। देखिए, पहले ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकली, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, इस सरफेस पे टकराए, इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद इस सरफेस पे फिर से टकराएंगी और रेज आपकी कुछ ऐसे मुड़ जाएंगी, यहाँ कहीं इसका फाइनल इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट इमेज यहाँ नहीं हुआ, एक्चुअल इमेज आई पे बनेगा, जिसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो एक बार समझिए फिर से, पहले सरफेस पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट से रेज निकल रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरे सरफेस पे टकरा के रिफ्लेक्शन हो रहा है, वापस लौट रही है, फिर यहाँ पे टकराएंगे, फिर से इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ऑब्जेक्ट ओ का आई पे क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो हम लोग कुछ ऐसे सीख रहे हैं, पहले एक लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो सिस्टम है किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेंस की तरह से। ओ था, ऐसे रेज निकली, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे अगर पॉलिश ना होती, यहाँ पे क्या बन जाता है, इसका इमेज आई बन जाता, ऐसे रेज आ रही। ठीक है, अब दूसरा इस सरफेस पे टकराएगी, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको एक मिरर मिल रहा है, इस सरफेस पे क्या मिल रहा है, हमको एक मिरर मिल रहा है। रेज कुछ ऐसे आ रही है, ये रेज आ रही है और ऐसे वापस लौट आ रही है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे टकरा रही, आई टू इमेज मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब फिर से तीसरे सरफेस पे, पहले आई इस सरफेस पे, फिर यहाँ पे फिर से वापस लौट गई, तीसरे सरफेस, इसको फिर से एक लेंस मिल रहा है, यहाँ पे एक लेंस मिल रहा है। इस लेंस को ऐसा लग रहा है कि इमेज जो आपकी रेज है कुछ ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे आ रही है, और ये हल्का सा ब्रेक करके यहाँ पे जाके आई, फाइनल इमेज बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि ओवरऑल जो सिस्टम है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। क्यों मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में ही बन रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो पूरा सिस्टम है, एक लेंस ना होकर के, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पे वापस रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे, एक मिरर की तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है, फिर क्या होता है, फिर से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक, चलिए देखते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, फिर से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो आप कह सकते हो जो पूरा का पूरा सिस्टम है कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह, किसकी तरह भैया, मिरर की तरह। ठीक, अब इसमें हमसे क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनेगी। तो इसके लिए दो तीन स्टेप में हम इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं हमको करना क्या है। तो पहले जो है पावर निकालते हैं, पूरे सिस्टम का क्या निकालते हैं, हम लोग पावर निकालते हैं, क्या करते हैं, सिस्टम का पावर निकालते हैं। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना होता है, पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फोकल लेंथ निकालते हैं। तीसरा, आपको अगर फोकल लेंथ मिल जाता है तो आप मिरर फार्मूला यूज करते हो, किसका यूज करते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला।
क्यों मिरर फार्मूला यूज करते हैं? क्योंकि जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक मिरर के जैसे बिहेव कर रहा है। मिरर फार्मूला क्या होता है हमारा? वन अपान सिस्टम की फोकल लेंथ, वन अपान वी, प्लस में क्या होता है? वन अपान यू होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग इस सिस्टम की पावर की बात करते हैं। तो पावर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? पावर ऑफ सिस्टम इक्वल में होगा पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पैनल इसमें जा रही है, लेंस में जा रही है, पावर ऑफ लेंस प्लस इस सरफेस पे ले जाए तो ये सरफेस हमारा कैसे बिहेव कर रहा है? मिरर के जैसा। तो पावर ऑफ मिरर कैलकुलेट है, पावर ऑफ मिरर, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे टकरा रही है और ये फिर से इसको क्या मिल रहा है? लेंस मिल रहा है। एक बार ध्यान देखें पूरे सिस्टम में कितनी चीजें वर्क कर रही है। पहले लेंस है, आई यहाँ से रे तो लेंस जैसा बिहेव कर रहा है, फिर किस सर्फेस पर टकराई तो मिरर के जैसा, और फिर रिफ्रैक्शन हुआ है यहाँ पे आके टकरा रही है तो फिर से किसके जैसा बिहेव कर रहा है? लेंस के जैसा। तो आप कह सकते हो ये लेंस की पावर, मिरर की पावर और फिर से लेंस की पावर, तीनों को ऐड करें तो किसकी पावर निकल आएगी? सिस्टम की पावर। चलो इतनी बातें होंगी। अच्छा एक चीज आपको हम और बताए दे रहे हैं कि लेंस की जो पावर होती है, यहाँ पे देख रहे हैं लेंस की जो पावर होती है ये होती है कितना? वन अपान एफ, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं है तो आप जान लो मिरर की जो पावर होती है वो वन अपान एफ होती है माइनस में, लेंस की पावर पॉजिटिव वन अपान एफ होती है और मिरर की पावर क्या होती है? माइनस का वन अपान एफ होती है। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा आप लिख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ लेंस टू इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर इक्वल में क्या है? सिस्टम की पावर है, ठीक। अच्छा लेंस की पावर कितनी होती है? वन अपान एफ होती है, तो वन अपान एफ है लिखते हैं, ठीक है, प्लस कर दो। मिरर की पावर क्या होती है? मिरर की पावर माइनस वन बाई एफ होती है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस का वन बाई एफ, ठीक है, मिरर की फोकल लेंथ, मिरर की फोकल लेंथ। अच्छा अब यहाँ पे पूरा सिस्टम किसके जैसा बिहेव कर रहा है? लेंस की मिरर, लेंस की मिरर, हाँ, ये पूरा का पूरा सिस्टम है मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग पावर लिखेंगे वो माइनस वन अपॉन एफ एस होगा, सिस्टम की फोकल लेंथ। क्यों माइनस होगा? क्योंकि जो आपका सिस्टम है ये ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा मिरर रखा हो, क्या हो? मिरर हो, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हमको क्या मिल जाएगा? सिस्टम की फोकल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपको मिल जा रही तो आप मिरर फार्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हो? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको पता रहेगी, इमेज की डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब बात आती है यहाँ पे लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना। लेंस की फोकल लेंथ के लिए हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि आप लेंस मेकर फार्मूले का यूज करो। लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है? एन टू अपान एन वन माइनस वन, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया होगा, आप लेंस की क्या निकाल सकते हो? फोकल लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मिरर की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? मिरर की फोकल लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ। फोकल दोनों निकल आए तो आप सिस्टम का फोकल लेंथ निकाल लोगे, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? मिरर फार्मूला रख के इमेज की डिस्टेंस फाइंड करते हो, क्लियर एकदम। तो कहने का मतलब हम लोग एक बार फिर से समझते हैं, रेज आ रही है पहले सरफेस पे टकराई, रिफ्रैक्ट हो गई, यहाँ पे इसको क्या मिला? मिरर मिला। कौन सा मिरर होगा? इसको अगर हम लोग तोड़े कुछ ऐसे, यहाँ भी देख लो ये कौन सा मिरर है, कौन क्यों मिरर है, कैसा मिरर है, कौन क्यों, फिर से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ इसको फिर से लेंस मिला और इसका फिर से क्या हो गया? रिफ्रैक्शन हो गया। तो ओवरऑल ओ का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो ओ है, इसका फाइनल इमेज आपको कहाँ पे मिल रहा है? आई पे मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? आई पे। आप कहोगे पूरा का पूरा सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है? मिरर के जैसा। अब इसके लिए पहले हमको सिस्टम की पावर निकालनी पड़ेगी, फिर फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप इमेज डिस्टेंस निकाल पाओगे। क्या कर पाएंगे हम लोग? इमेज डिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, अब फार्मूला आप ये यूज कर सकते हो, माइनस वन अपान एफ एस इज इक्वल टू टू बाई एफ एम माइनस का वन बाई एफ एम। मिटाए इसको, इसको मिटाए, मेरे को समझते हैं इसकी हेल्प से। चलिए इसको मिटा रहे हैं, तो इसको मिटा दो भैया। एक न्यूमेरिकल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया, क्या दे दिया गया है कि कोई लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा एक क्या हो गया? लेंस हो गया। यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के एक साइड पे आप सिल्वरिंग कर देते हो, क्या कर दे रहे हैं? सिल्वरिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। अब लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। लेंस के दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया गया है?
सपोज कर लेते हैं 60 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, दे दिया गया है यहीं पे लिख लो 3/2, कितना गिवन 3/2। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओ का इमेज क्या होगा, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन फाइंड करना है। एक बार फिर से समझते हैं, ऑब्जेक्ट है लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, लेंस है इसके एक सरफेस पे सिल्वरिंग कर दी, ठीक है। अब इसके जो दोनों साइड है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिए गए हैं 60 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्फेस के। अच्छा आपसे कह रहा है कि इमेज की पोजिशन को फाइन करिए। चलो इसको हम लोग एक बार ऐसे समझते हैं, किससे मिलकर बना है, एक लेंस है, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, मिरर है। दूसरा क्या भैया, मिरर है। पहले से होगा इसका क्या, पहले से तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ऐसे आएंगे, ठीक है, और दूसरे इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर से इस ये सरफेस पे लगे, हाँ फिर से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले मैंने बताया सिस्टम की पावर निकालते हो, फिर फोकल लेंथ निकालते हो, फिर क्या निकालते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला, क्या लगाते हैं, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। चलो इतनी चीज़ें हो गई, इसको मिटा रहे हैं, तो आप निकालो पावर ऑफ सिस्टम, फार्मूला क्या होता है, पहले लेंस है तो पावर ऑफ लेंस, फिर मिरर है तो पावर ऑफ मिरर, उसके बाद इस सरफेस पर टकराएंगे तो फिर से इसको क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा, पावर ऑफ सिस्टम 2 × पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ क्या, मिरर, ठीक है। इतनी बातें होंगी, 2 × लेंस की पावर कितनी होती है, 1/n होती है, और मिरर की पावर क्या होती है, माइनस होती है, तो प्लस माइनस माइनस लिख देंगे 1/f × m। पूरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे यहाँ पे मिरर हो, है ना, जादू वाली बात होती है, तो माइनस का 1/fs, ये आपका होता है, इस फार्मूले पे आपको रखना है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंस की फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे। चलो लेंस की फोकल लेंथ, लेंस मेकर फार्मूला लगाओ भाई, 1/fl इक्वल में n2/n1 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। n2 क्या होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, n1 मतलब होता है जहां लेंस रखा हुआ है, यहां पे कुछ नहीं, मतलब एयर है, क्या है, एयर है। हो सकता है ये लेंस आपका वाटर में हो तो n1 की जगह वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे, लेकिन अभी क्या है, n1 हमारा 1 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, तो 1/fl, n2 लेंस का 3/2, n2, n1 वाटर का माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये लेंस है, ये आपका है, इधर वाला पार्ट हमारा क्या होता है, R1 होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, रेंज कुछ ऐसे निकलेंगे, ठीक है। तो R1 क्या है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, तो R1 पॉजिटिव होगा, R2 क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, तो R1 की जगह प्लस में 60 रखना है, और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 कुछ डायरेक्शन होगा वो माइनस का 60 हो जाएगा, 1/fl 3/2 से 1 माइनस करते हो, 1/2 आएगा, 1/60 प्लस 1/60 2/60 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 1/fl इक्वल 1/60, तो यहाँ से लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ जा रही है, 60 सेंटीमीटर, प्लस में आ रही है, मतलब कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, पॉजिटिव में है ना तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। अब मिरर की फोकल लेंथ निकालना है, कैसे निकालेंगे, एफएल इक्वल में r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मिरर है, कौन सा मिरर यहाँ पे दिख रहा है, आप समझो यहाँ पे ऐसे रखें, ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्यों, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे है ना, ऐसे करके रेज ऐसे निकल रही है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस का 60/2, माइनस का 30 सेंटीमीटर, बहुत अच्छे एफएल मिल गया, एफएफ मिल गया, आपको एफएफ चाहिए, रख दो भाई। चलो माइनस 1/fs इक्वल है 2/fl की वैल्यू कितना है, 60 सेंटीमीटर है। अच्छा माइनस 1/fm माइनस का 30, माइनस क्या है 30 है, माइनस 1/fs इक्वल 2/60 मतलब 1/30 हो गया, प्लस 1/30 2/30 है ना। अच्छा
तो यहाँ से आपका जो सिस्टम, इसकी फोकल लेंथ कितनी आएगी, 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर, माइनस साइन घर आ जाएगा, माइनस का 15 कैसे होगा, 1/30 प्लस 1/30, तो 2/30 इसको कट करेंगे, 1/15 आएगा, रेसिप्रोकल कर दो, FS=15 माइनस वाला साइन इस टाइप्स में आएगा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। अच्छा आपको क्या मिल गया, फोकल लेंथ मिल गई, ठीक है। अब आप क्या लगाओगे, मिरर फार्मूला, इमेज डिस्टेंस निकालना है, मिरर फार्मूला लगाते हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं हम लोग, मिरर फार्मूला लगाओ भाई, मिरर फार्मूला वो क्या होता है, 1/FS=1/V+1/U कितना है, माइनस का 15। अच्छा यहाँ पे जो माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब हुआ कि कौन सा पूरा सिस्टम होगा, वह कैस किस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, माइनस मतलब कॉनकेव मिरर की तरह, माइनस का 15 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब हुआ जो सिस्टम है वो मिरर की तरह तो बिहेव कर ही रहा है, लेकिन कौन से मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह, ये चीज आप ध्यान देना। माइनस हो गया 1/V + 1/U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस का 20 हो जाएगा, -1/15 प्लस माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 1/V। 20 और 15 एलसीएम कितना होता है, कितना 60 सपोज कर देना, 60 तो माइनस का 4 प्लस 23 का 1/V, ठीक है, -4 + 3 माइनस का 1/60 = 1/V, तो यहाँ से वी की वैल्यू आ रही है माइनस का 60 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो माइनर डायरेक्शन मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन बनेगी, वो कितनी दूरी पे बन रही, 60 सेंटीमीटर की दूरी बन रही, कितनी दूरी बन रही, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, इसको मिटा दे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कोई प्लेनो कॉन्वेक्स है, प्लेनो कॉन्वेक्स है, इसके इस सर्फेस को हम लोग सिल्वरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, पूरे सिस्टम से कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट, 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अच्छा इसका जो रेडियस आप कर रहे हैं इस सर्फेस का, वो मान लेते हैं गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि इमेज की डिस्टेंस फाइंड करो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, और इस मीडियम का, इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, 3/2 ही सपोज करते हैं, 3/2, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले पूरे सिस्टम का पावर निकालना है, ठीक है, दूसरे पे क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है सिस्टम की, फिर किस फार्मूले पर रखना है, मिरर फार्मूले पे, किस फार्मूले पर रखना है, मिरर फार्मूले पे, 1/V प्लस में क्या होता है, 1/U होता है, ठीक है। तो पावर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, पावर ऑफ सिस्टम मतलब कि पहले लेंस मिल रहा है, फिर इसको क्या मिलेगा, मिरर मिलेगा, और इसके बाद रिफ्लेक्ट करके फिर से क्या होगा, लेंस मिलेगा। चलो PS=, ये हो जाएगा 2 power of lens + power of mirror, इतना हो गया, ठीक है, 2 हो गया। पावर ऑफ लेंस कितना होता है, 1/FL होता है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिरर की जो पावर होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है, तो -1/FM हो जाएगा। पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे पावर आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, -1/ क्या हो जाएगा, एफ सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ। हमको क्या निकालनी है, लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए आओ देखते हैं कैसे होगा भाई, लेंस की फोकल लेंथ निकालो, 1/FL फार्मूला, N2/N1 -1, 1/R1 -1/R1, 1/FL, N2 लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है, N1 जहाँ पे लेंस है, एयर में मान लेते हैं, एयर का कितना है, 1 है, -1, 1/R1, ठीक है। तो R1 आपका ये सरफेस होगा, इधर वाला सरफेस, तो R1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, कितना गिवन है आपका, 5 सेंटीमीटर, तो 1/5 हो जाएगा, -R2, R2 मतलब प्लेन, जो आपका प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको पता है कि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस का इनफाइनाइट, 1/FL, 3/2 से हमको माइनस करेंगे, 1/2 आ जाएगा, और ये कितना है, 1/5 है, 1/5,
तो यहाँ से लेंस की जो फोकल लेंथ है कितनी आ जाएगी, 5 × 10 कितना हो जाएगा, 10। कहने को मतलब पॉजिटिव आ रहा, तो जो लेंस है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लेंस की बात कर रहे हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, फोकल लेंथ हो गया। अब हमको निकालना है मिरर की फोकल लेंथ FM, ठीक है। तो प्लेन मिरर है, कैसा मिरर है आपका, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ये कितना हो जाएगा, मिरर की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। इस फॉर्मूले में रखना है आपको, तो रखो भाई -1/f सिस्टम 2/FL, लेंस की फोकल लेंथ कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर आई है, प्लस माइनस माइनस कर लो, और FM कितना है, इनफाइनाइट है, ठीक। -1/FS 2/ मतलब 1/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ कितनी आ जाती है, -5 सेंटीमीटर, कितनी आ जाती है, -5। 1/Infinite की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। अब आपको सिस्टम की फोकल लेंथ पता चल गई है, आप मिरर फॉर्मूले में रख के इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक। तो आइए देखते हैं आगे क्या होगा, मिटाओ भाई, टक 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 टक। चलो 1/F सिस्टम है, इक्वल में 1/V माइनस का 1/U, माइनस नहीं, मिरर में क्या होता है, प्लस होता है, याद रखना। 1/FS सिस्टम का माइनस का 5, 1/V निकालना है, प्लस 1/U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस में, 10 है। ये इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आएंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस का 10 ले लेंगे, -1/5, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 1/10 इक्वल 1/V, 5 × 10 का एलसीएम 10, 5 × 2 प्लस में 1/V, -1/10 इक्वल 1/V। तो यहाँ से जो वी की वैल्यू है वो माइनस का 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहने का मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बनेगा, आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही बनेगा, कितनी डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, माइनस में आ रहा है, मतलब वो क्या होगा, इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो ये हमारा क्या था, अगर आपका एक सरफेस आपका कॉन्वेक्स दे दिया जाए, दूसरा क्या दे दिया जाए, प्लेन दे दिया जाए, तो कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो। आइए हम तीसरा देखते हैं, कॉनकेव लेंस लेते हैं ना, कॉन्वेक्स हो गया है, प्लेन वो कॉन्वेक्स हो गया, अब हम लोग लेते हैं कॉनकेव लेंस। चलो मिटा रहे हैं, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री है ना। सपोज करते हैं कोई हमारा कॉनकेव लेंस है, क्या है कॉनकेव लेंस, इसके इस साइड पे सिल्वरिंग कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस पे, 30 सेंटीमीटर। इस लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, पूरे लेंस का फोकल लेंथ आपको पहले से गिवन है, 40 सेंटीमीटर सपोज कर लेते हैं। लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। अच्छा, इस सरफेस का, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको भी हम लोग सपोज कर लेते हैं, वो भी कितना है, 40 सेंटीमीटर है। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि इमेज की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, मतलब आपको वी की वैल्यू निकालना है। फार्मूला क्या होता है, सिस्टम की पावर, लेंस की पावर, मिरर की पावर, फिर से लेंस की पावर, है ना, पी एस, ये हो जाएगा 2 × लेंस की पावर प्लस मिरर की पावर। पूरा सिस्टम फिर से कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर के जैसा भूलना बिल्कुल भी नहीं है आपको। तो मिरर की जो पावर होती है वो माइनस का 1/f होती है, लेंस की पावर क्या होती है, 1/f होती है, मिरर की पावर फिर से क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे लेंस की पावर निकालना है और मिरर की, लेंस की फोकल लेंथ चाहिए आपको और क्या चाहिए, मिरर की फोकल लेंथ। तो लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब ये लेंस कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। मिरर की फोकल लेंथ निकालो भाई, RM/2, ठीक है। ये मिरर अगर हम बनाए तो कुछ ऐसा मिरर है हमारा, और ये मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो 40 है पॉजिटिव लिया जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो मिरर की फोकल लेंथ कितनी आ गई है, 20 सेंटीमीटर आ गई है। इस फार्मूले में रखो, -1/FS 2/ लेंस की फोकल लेंथ माइनस का 40 है, -1/FM प्लस का 20 है, तो प्लस का 20 रख देंगे, है ना, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ा लो यहाँ पे, 2/40 माइनस का 1/20 माइनस का 1/20 -1/FS -1/20 माइनस का 2/ कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे पूरे सिस्टम की जो फोकल लेंथ है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 20 डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर।
तो पूरे सिस्टम के लिए फोकल लेंथ है वो कैसे है, पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर है। हमको निकालना क्या है, इमेज डिस्टेंस। फिर से आप मेरा फार्मूला लगाते हो, 1/FS / 1/B, 10 में कितना 1/U, कितना है 10 आपको दे दिया गया है, 1/V + 1/U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, इंसिडेंट प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो माइनस का 30 ले लिया जाएगा, 1/10 प्लस माइनस माइनस, इधर आगे फिर से पॉजिटिव हो जाएगा 1/V। तो 10 और 30 का सेम आप कितना लेते हो, 33 प्लस में कितना होगा 1 होगा, 1/V, 4/30 1/V। अच्छा कट करो भाई इसको, 2/15, तो यहाँ से जो V होगा वो 15/2 हो जाएगा, मतलब 15 का हाफ 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आ रही है, किसमें आ रही है पॉजिटिव में, वी आपका प्लस में 7.5 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो इमेज है वो यहाँ पे कहीं पे बनेगा, ठीक है, मतलब बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो रियल तो होगा नहीं, वर्चुअल ही होगा। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और वर्चुअल होगा तो क्या होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, ब्लर। बस इतने ही कुछ न्यूमेरिकल्स थे, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहते हैं, थैंक यू।